हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गले का इन्फेक्शन दूर करने के बारे में। गले का इन्फेक्शन कितनी प्रकार का होता है, इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गले में तरह तरह का इन्फेक्शन होने लगा है, जैसे एलर्जी, लैरिंजाइटिस, खांसी, एसिड रिफ्लेक्स, टॉन्सिलाइटिस। गले से जुड़ी इन समस्याओं और उनके इलाज और सावधानियों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, एलर्जी। गले में एलर्जी की मूल वजह है प्रदूषण। इसके अलावा किसी खास फूड, फूलों के परागकण, बेडशीट की डस्ट, धूल और धुएं से भी ऐसा हो सकता है। लक्षण, सांस लेने में दिक्कत, सूखी खांसी, नाक से पानी गिरना, हल्का बुखार, बोलने में परेशानी, गले में जलन या दर्द। इलाज, लक्षणों के मुताबिक एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है। अगर एलर्जी का सही समय पर उपचार ना हो तो फेफड़े और ट्रेकिया प्रभावित होकर निमोनिया भी हो सकता है। सावधानी, मास्क का प्रयोग करें, घर में रोज गीले कपड़े से पोछा लगवाएं, बेडशीट को गर्म पानी से धोकर कड़क धूप में सुखाएं, जिस वजह से एलर्जी होती है उससे दूर रहें। नंबर दो, लैरिंजाइटिस। इन्फेक्शन, एलर्जी या अन्य किसी कारण से स्वर यंत्र में समस्या होने पर इसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ बोलने में बल्कि सांस लेने में भी तकलीफ आ सकती है। लंबे समय तक एलर्जी, एसिड रिफ्लेक्स, साइनोसाइटिस जैसी समस्याएं होने पर क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की समस्या हो सकती है। लक्षण, खांसी, गले में खिचखिच, जलन, दर्द, सूखापन और बोलने में असुविधा। इलाज, दवाओं के अलावा गुनगुने पानी से गरारे, भाप आदि लेनी चाहिए। सांस में दिक्कत होने पर इनहेलर लेना जरूरी है। सावधानी, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, एलर्जी कारक तत्वों से दूर रहें। नंबर तीन, खांसी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन, एसिड रिफ्लेक्स या गले में ट्यूमर से भी खांसी हो सकती है। इलाज, कफ सिरप और एंटीबायोटिक दवाएं लें और कुछ दिनों तक गुनगुना पानी पिएं। अगर खांसी दो हफ्ते में भी ठीक ना हो तो किसी अस्पताल में जाकर टीबी का टेस्ट जरूर करवाएं। सावधानी, ठंडे पेय और धूल मिट्टी से बचाव रखें। नंबर चार, एसिड रिफ्लेक्स। पाचन संबंधी समस्याओं या अन्य कारणों से पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल ऊपर गले तक आ जाता है। इससे गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लक्षण, बार बार खांसी होती है, उल्टी की इच्छा, खट्टी डकारें और सीने में जलन होती है। इलाज, एंटासिड दवाएं खाने से आराम मिलता है। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। सोने से दो घंटे पहले भोजन करें और मॉर्निंग व इवनिंग वॉक करें। नंबर पाँच, टॉन्सिलाइटिस। ठंडी चीज़ें खाने या ठंड से यह समस्या होती है। लक्षण, गले में दर्द, थूक या पानी गिटकने में दर्द, मुंह से बदबू, कान में संक्रमण। इलाज, एंटीबायोटिक्स व नमक मिले गर्म पानी के गरारे और ठंडी चीज़ें खाने से परहेज। सावधानी, गर्म पानी से नहाएं, गले को ढक कर रखें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है गले के इन्फेक्शन से बचने के लक्षण, इलाज और सावधानियाँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।